जय माता दी। मैं पूजा शर्मा, कैसे हो? उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिवाली कैसे गई है? अच्छी गई होगी भाई सबकी। पम बुम कम बजाएंगे, मैंने तो नहीं बजाया लेकिन वैसे इंजॉय किया भाई। रेडी सेडी होकर ने वीडियो वाडियो बनाई है, गाँव में गए थे, वहाँ बहुत सारी मस्ती की है। आप मेरी जो अगर फैमिली ब्लॉग देखना चाहते हो तो पूजा वेदी लाइफ स्टाइल के ऊपर जाके आप मेरी फैमिली ब्लॉग देख सकते हो। वहाँ मैंने अपने दिवाली के सारे ब्लॉग डाल रखे हैं, मतलब मैं अपने सारे फैमिली ब्लॉग वहाँ डालूंगी और जो शॉर्ट्स मिनी ब्लॉग भी डालती हूँ। और यहाँ मेरे रिएक्शन वीडियो ही रहेंगी इस चैनल के ऊपर, ठीक है? तो भाई अब जो सोच के लिए कल मेरे सॉरी सॉरी भाई कमेंट भी आए थे कि वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई। मैं मतलब वेट कर रहे थे कई, जो मेरी बहन है बेचारी, तो भाई उसके लिए सॉरी। क्योंकि देखो कल ना गांव में गए थे, कल मतलब जो आप सबने पता पितरा की दो का वो कल के दिन ही लगी थी 1 तारीख को, तो कल हम गाँव गए थे इसीलिए भाई कल वीडियो नहीं आई। तो इस वो वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, आज 2 या 3 वीडियो डालूंगी आराम से। एक आ गई है, ये वीडियो भी आपको दो मतलब ये वीडियो भी आएगी आज ही, और कल आपका जो सबको इंतजार है कल वो वीडियो आने वाली है। सबको लगता है कि भाई आप प्रिया के गांव जाके वीडियो बना के लाओ, गांव में जाके कंफर्म करके आओ कि वो वहां का क्या सीन है, क्या वो वहीं के हैं या सच है या झूठ है या क्या कुछ है, वो चीज मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी। ये देख लो आज इनकी छुट्टी है, अभी कल की भी छुट्टी है इनकी, 2 दिन की छुट्टी रहेगी। ऐसे भाई दूसरा उन्हें कल ही मना लिया क्योंकि कल बुआ के घर गया गया थे ये, वही तिलक करवा के आ गए। बीवी लग रहा है देख सिंदूर कई दिन तक नहीं उतरता। और भाई यो रूसा तो नहीं रहा इसका, तो मरोड़ पूरी है नहीं होती ना खराई तना है छोरे में। और भाई चलो भाई वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारी सबसे पहले मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूं, बहुत सारी आज इस वीडियो में ना सारी कहानी का जो सारी स्टोरी है पीडिया की आज तक लेके अब तक की सारी खत्म कर दूंगी मैं। और जो अब जो फिलहाल उसने नई नई वो बनाई है जो अभी चल रही है उसका, उसके बारे में हम कल से बात स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। कल उसके गांव की वीडियो आएगी, उसके गांव वालों का इसके ऊपर मतलब क्या वो है, क्या वो सच में उसी गांव की है या कहीं और की है, मतलब क्या कुछ है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में चाहिए आप इस वीडियो में कमेंट कर देना। उसके गाँव से रिलेटेड आप क्या पूछना चाहते हो कि उसके गाँव में से क्या इन्फॉर्मेशन लेके आनी चाहिए, वो सारी वीडियो आपने कल मिल जाएगी। आज ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। कल से आपको जो सबका डाउट था कि आप अगर ऐसे हो तो उसके गांव में जाके कंफर्म करो वो ही उसका गांव है या क्या कुछ उसके गांव में चला हुआ क्या कुछ नहीं, तो वो सब आपको कल मिलेगा। इस वीडियो में आप कमेंट कर देना आपको क्या कुछ क्वेश्चन है जो उसके आंसर चाहिए गाँव वालों से, तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो भाई चलो बात स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो जो सबसे ज्यादा कमेंट मेरी वीडियो पर, मतलब वैसे तो सारे अच्छे थे लेकिन कई कमेंट आए ये आए हैं, अगर ये सेम चीज आपके साथ हो ना तब आपको पता लगे कि क्या होता है, तब आप क्या करो। तो मैं आपको बता दूं, जब ये सेम चीज मेरे साथ हो तो इसको भी चोट लगी थी, अभी चोट दिखा रहा है। जब यही सेम चीज भी, तो 1 मिनट रुक जा पट्टी आग नीचे, जब यही सेम चीज अगर मेरे साथ होती है ना तो मैं क्या करती हूँ मैं बता दूं। सबसे पहले तो भाई देखो, अगर किसी का घर का इंसान अगर कहीं गुम होता है तो भगवान ना करे किसी का हुआ है, तो सबसे पहले तो भाई देखो रिश्तेदारियां फोन करेगा, उसके दोस्ता तक पूछेगा, उसके बाद 24 घंटे के बाद थाने में जाओगा, FIR करवाओगा। अगर फिर भी ना, हाँ मतलब मार्केट में, तो भैया कह रहा आज मेरे को मार्केट में जाना, ठीक है चलेंगे हम, अभी मैं वीडियो बना लूँ तो ऐसे ही बैठा रहो। ठीक है अब आप चुप बैठोगे, ठीक है फिर हम आपको खिलौने दिलवाएंगे। तो भाई उसके बाद थाने में FIR करवाएं, FIR करवाने के बाद रिश्तेदार भी आते हैं, भाई बंधु भी आएंगे, सबसे पहले मायके वाले आएंगे, बेटी के ऊपर इतना बड़ा दुखा का पार्ट टूटा है तो मायके वाले सबसे पहले आवे हैं, ठीक है? तो यो कुछ रूटीन होगा मेरा, तो अगर गुम होने की बात पावे। सेकंड बात, अगर हस्बैंड ऐसा निकल जाए जो उसका हस्बैंड कर रहा है, जो उसने पहली बार किया था जब उसका हस्बैंड गुम हुआ था, तो तब से वो बबीता का नाम लेकर आई थी बीच में, तब से उसने बबीता का जिक्र करा था, तो मैं बता दूं अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ किसी के साथ होता है जिस लड़की को अपना घर बसाना है, उसी पति के साथ रहना है, उसके बच्चों के साथ रहना, उसी फैमिली में रहना है, तो वो औरत सोशल मीडिया पे कभी भी अपने पति की बदनामी नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये मेरा आंसर सोच लो, तुम जो पूछो थे ना तेरे साथ हो तो पता लगा तू क्या करे, तू क्या करे, वो कोई भी अपने पति की बदनामी नहीं करेगी सोशल मीडिया पे। अगर कोई इज्जत है, मजाक नहीं है, ऐसे इज्जत का मजाक बनाना किसी को पसंद नहीं होगा, ना किसी के पति को पसंद होगा कोई किसी के साथ ऐसे करेगा, और वो पति फिर भी उस पत्नी को रखेगा जो इतना इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी, फिर भी नहीं रखेगा उसको कोई। तो इसमें कोई भी आ लिया, कोई रखेगा ही नहीं उस औरत को जो ऐसे अपने पति की इज्जत का मजाक बनाएगी, ऐसे जुलूस निकालेगी उसका सोशल मीडिया के ऊपर।
तो ये आपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, अगर मेरे साथ हो तो क्या करे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब बात कर लेते हैं भाई इनकी स्टोरी जो जो शुरू हुई थी पहले, ठीक है। मैंने कल बता दिया गुम होने के ऊपर, अब बात कर लेते हैं अगर किसी का हस्बैंड ऐसा निकम्मा निकल भी जाता है, ऐसा कुछ कर भी देता है, तो उसका सोशल मीडिया पे जुलूस नहीं निकाला जाता, रिश्तेदारियों को बुला जाता है, बातचीत करी जाती है, सबको बिठा के समझाया जाता है कि क्या करना सही है क्या करना सही नहीं है, वो सब काम किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही अगर ना ही कुछ पार पड़े भाई, ना ही साथ रहना हो, तो उसके बाद फैसला किया जाता है। ये नहीं है सोशल मीडिया पे आके बोलना कि हाँ मेरी मदद कर दो, हाँ ठीक है वीडियो को सपोर्ट कर दो, वीडियो को सपोर्ट कर दो, उससे थोड़ा नहीं कुछ भी होएगा, नहीं करेगी कोई भी, जो देख रही है जो दिमाग वाली वो कोई नहीं करेगी। अर्जुन सी नु कह रही है, जर्न सी कह रही कि सही है ये सही है, वे सेम यो एक काम करेंगी जिनकी गल्ला, अगर यो एक काम होगा उनकी गल्ला, वैसे तो अगर रियल में यो काम होगा तो जब पता लगेगा कि होगा। चैनल को सब्सक्राइब अपने आप कर देंगे वो, ठीक है। और जब अगर उनके साथ होगा तो पता लगेगा उन्हें क्या होता है ये, ठीक है। ऐसे बोलने मतलब अगर रियल में होगा तो, ये तो ड्रामा है, अगर रियल में हो जाए ना जान निकल जाए बंदे की, हाँ तो उनको पता भी नहीं लगेगा, वो समझ में भी नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। अब तो देखो भाई इसने पहला वो सब ड्रामे के गुम हो गया, फिर पति बबीता के साथ चक्कर चल रहा, फिर इसका पति आया, फिर वो पागल हो गया, वो पता नहीं क्या क्या अनसर्ट एक्टिविटी करने लगा, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, तो उस हाल में तो भाई लग रहा था कि ये नशा भी करता होगा, ये भी करता होगा वो भी करता होगा, तो वो उस टाइम तो लग रहा था, ठीक है। अब फिर ये बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे बोल रहे कि ये सही है दुखी है, बहुत सारे बोल रहे कि ड्रामा भी है, मतलब ये लगा लो भाई 60% तो ड्रामा ही बोल रहे, 40% बोल रहे सही है, क्योंकि लोगों का इतने दिन तक विश्वास नहीं बना रहता है। और एक और बात मैं बोल दूं, मैं नहीं बोलूंगी कि आप इनको देखो मत अनसब्सक्राइब कर दो, नहीं बोलूंगी मैं, देखो भाई कंटेंट है उनका अगला का, एंटरटेनमेंट पर्पज से देखो, लेकिन इसे फीलिंग को अटैच करके मत देखो कि हमें दुख हो रहा है उसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से, जैसे आप सीरियल देखते हो ऐसे रोज उनका एपिसोड देख लिया करो कि आज ये आएगा आज ये आएगा, बस। मैं नहीं बोलूंगी कि उनको आप देखो मत अनसब्सक्राइब कर दो, ये कर दो वो कर दो, क्यों कर दिया, अगले उस खाते भी मेहनत कर रहे हैं, वो कंटेंट भी बना रहे हैं तो वो भी मेहनत बना रहे हैं, तो वो आप देखो अगला ना ठीक है, उन्हें भी कुछ हेल्प मिलेगी, उन्हें इतने दिन हो गए इतने साल तक मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें भी वहां भी कुछ हेल्प मिलेगी। बात कर लेते रिंकू सिंह के साथ जब उसकी कुछ लड़ाई हुई थी, तो वो क्या सीन था वहां, आपको क्या लगता है उसकी गलती थी ना या नहीं थी, मतलब पहले भी वो वैसे दूसरों के थंबनेल लगा लगा के वीडियो बनाती थी, तो ऐसे वो मंत्री मंत्री लिखती, मेरे को तो कहीं ऐसे मेरे को ना फोटो तो नहीं दिखा कहीं भी, रिंकू की फोटो दिखी है लेकिन ऐसे मंत्री की फोटो नहीं दिखी मेरे को, अगर देखी होगी तो भाई देखो मेरे को याद नहीं, अगर आपको दिखी तो आप बता सकते हो, तो उन्होंने ऐसे फोटो लगा रहे थे कि आज मंत्री का रिश्ता हो गया आज ये हो गया आज वो हो गया, रिश्ता करवाना ये करवाना वो करवाना, तो बहुत दिनों से वो उनका यूज कर रही थी, तो वहां पर रिंकू और ने बोला था जीत और ने बोला था कि इसके कारण से हमारे मंत्री का जो है वो रिश्ता टूट गया है, ठीक है, और जो रिश्ता हुआ था वो टूट गया है जिसके कारण हम उस पर FIR करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, इसके वजह से इन्होंने उनके घर जाके माफी भी मांगी थी कि हम आगे से आपका कोई नाम यूज नहीं करेंगे कोई थंबनेल यूज नहीं करेंगे, इन्होंने सारे थंबनेल तो रिमूव कर दिए थे, लेकिन यहाँ मेरे को डाउट लगता है भाई ऐसे रिश्ता नहीं टूटता, देखो हाँ उनके नाम यूज कर रहे थे उनका नाम यूज कर रहे थे कुछ गलत तरीके से यूज कर रहे थे वो वहां बोल सकते, लेकिन मेरे को यहाँ नहीं लगता कि रिश्ता टूटा होगा, क्योंकि ऐसे कोई रिश्ता नहीं टूटता, जब उनको पता है कि वो फेक वीडियो बना रहे हैं उनका उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है जान पहचान ही नहीं है तो ऐसे नहीं टूटता भाई, कि भाई भगवान को पता है उनको पता है, लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि उन्होंने उसकी वजह से मंत्री का रिश्ता टूटा है, वहां से इन्होंने टर्न कर लिया था रिमूव कर दिया सारे थंबनेल वहां से सॉरी बोल दिया था, उसके बाद इन्होंने अपना ही अपनी फैमिली ब्लॉगिंग बनाते थे पहले, ये वैसे तो अभी भी ये फैमिली ब्लॉगिंग है लेकिन कंटेंट थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब फिर उन्होंने ये कहानी स्टार्ट कर दी, पहले पति गुम हो गया, फिर पति 2-3 महीने में मिल गया, फिर पति के साथ बबीता का चक्कर चल गया, फिर पति बबीता को कभी फोन कर रहा है कभी टूम निकाल रहा है कभी गाड़ी नाम करवा रहा है, ऐसे ऐसे एक दिन में कुछ नहीं होता, ना किसी की गाड़ी नाम होती ना कुछ होता, अभी कभी वो ठीक होके घर आ रहा है तो कभी वो जा रहा है, ऐसे कौनों करता है, जैसे वो उसको गालियां देती है ये करती है मारती पीटती है वो तो कोई भी नहीं सहन कर सकता इतना सब कुछ, तो वो सब मिली भगत का ही हो सका मैं सारी चीजें, तो वो सब तो देखो ड्रामा ही है, यहाँ मैं कुछ नहीं बोलूँ वो सब ड्रामा ही आप सबको पता है, बस कुछ लोग पागल जो बोल रहे हैं कि तेरे साथ होगा तो पता लगेगा क्या होगा, मेरे साथ जो होगा वो मैंने उसका आंसर दे दिया आज, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता तो मैं क्या करूंगी और क्या करना पसंद करूंगी वो भी आपको बता दिया है, ऐसे इज्जत के साथ खिलवाड़ करके करने से कुछ नहीं होगा,
अगर कुछ करना है तो एक्शन लेने से होगा। बहुत सारी मेरी फ्रेंड बोल रही है भाई मेरा हस्बैंड पुलिस में है, मैंने इतनी बार बोल दिया मैं हेल्प करूंगी आपकी आप, लेकिन फिर भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेगी कैसे भाई, जब अगर सच हो तो वो एक्शन ना ले, उसके घर वाले ना आए। एक बेटी के साथ अगर थोड़ा सा कुछ भी हो जाना तो मायके वाले सबसे पहले आते हैं, लेकिन इतना बड़ा कांड कर्म हो गया है उसका हस्बैंड, उसके मायके वाले कोई नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया, तो ऐसे कोई रहने भी नहीं देगा घर में। तो मैं तो यही बोल रही हूँ कि भाई वो ड्रामा ही है, सिर्फ आप उसको एंटरटेनमेंट पर्पज से देखो, कभी भी दिल से अटैच करके मत देखो। आप सबको पता है कि ये सब ड्रामा ही है। चुप वेदी। तो भाई देखो यहाँ मैं मतलब ये उसकी सारी स्टोरी है, वो स्टार्टिंग से ऐसे चलती आ रही है, कभी कोई ड्रामे कर रही है, कभी कुछ बना रही है कंटेंट, कभी कुछ बना रही है कंटेंट, तो वैसे ही बहुत लंबा खींचती आ रही है, बहुत दिमाग लगा के ना, जैसे भाई स्क्रिप्ट लिखते हैं नाटक बनाते हैं तो वो चीजें ये कर रही है। अच्छी देखो मेहनत तो उसमें भी लगती है भाई, ठीक है, दिमाग लगाना, आज ये कंटेंट बनाना, आज वो कंटेंट, तो आप सिर्फ मतलब एक सीरियल के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो। बहुत सारे बोले कि अनसब्सक्राइब कर दो ये कर दो, नहीं मैं नहीं बोलूंगी करो, क्यों करे भाई किसी को, अगर आपको मजा आ रहा है देखने में तो आप देखो, अच्छी बात है, वो दिखाने उनको वो दिखाना पसंद है, आपको देखना पसंद है तो देखो। तो ऐसे मतलब ये मत, जब आपको पता लगे कि भाई ड्रामा है तो ड्रामा है, उसको मत वो करो। और भाई मेरे को कोई बोल रहे थे कि अगर आप ऐसे हो तो उनके गांव में जाके पता लगाओ, किसी ने गांव के नाम भी बताए थे, मेरे को पहले गांव का नाम पता नहीं था, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, अब मेरे को गांव का नाम कंफर्म हो गया है और मैं गांव से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको जरूर बताऊंगी कि मेरे को वहां पहुंच के क्या मिला है और आप उनके बारे में क्या पूछना चाहते हो, कौन सा गांव है, कौन सी कास्ट है, क्या करते हैं, क्या उनके मतलब क्या कुछ है उनका, वो सब अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट करना जरूर बताना। कल की वीडियो में उनके गांव की वीडियो डालूंगी कि उनके गांव से मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको जरूर बता दूंगी। देखो भाई किसी को दुश्मनी मैं दुश्मन मैं उनकी नहीं हूं, ना मैं उनको बुरा बोलूंगी ना भला बोलूंगी, ना मैं बोलूंगी कि अब उनको मत देखो, जो उनसे ये चिल्ला चिल्ला के बोलना है कि नहीं ये कर दो, उनका ये कर दो, वो कर दो, नहीं, वो सब का अपना अपना वो होता है, देखो अच्छी बात है। वे भी अगर मेहनत कर रहे हैं, सब यूट्यूब पे दुनिया कमा रही है भाई, इतना कुछ ये सब नाटक कर करके ना कमा रही है, रियल तो देखो कोई बहुत कम 10% दिखावा, सब ड्रामे ही दिखावा है। तो जो और तो और जो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले में भी ड्रामे बनावा है, 1 पॉइंट के 70 पॉइंट बनाकर झूठे साचे बनाकर सारे रख दें, सच कोई नहीं बताता। तो भाई मैं तो नहीं कहूंगी आप उनको मत देखो, देखो एंटरटेनमेंट के लिए देखो, आप उनकी एक्टिंग देखो, वो क्या क्यूज कर रहे हैं वो सब चीजें देखो, लेकिन दिल से अटैच करके मत देखो, वो फेक स्टोरी है, स्क्रिप्टेड है, कंटेंट है, ये बात मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल सकती हूँ, वो सब एक ड्रामा है, कोई भी सेफ मतलब रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में आप अज्यूम भी नहीं कर सकते अगर ऐसा कुछ हो जाता है किसी औरत के साथ वो क्या क्या कर सकती है, कोई औरत सहन नहीं कर सकती ऐसा अगर किसी का पति। आज तिरंगा लगाएगा मेरे बेटा, क्या है आज, अभी भैया नीचे खेल रहा था तो नोनू ने इसके नोनू के साथ इसकी लड़ाई हुई तो ये इसके हाथ पे लग गया, इसलिए आराम से रूसा हुआ बैठा है चुपचाप। तो भाई ये थी पिज़्ज़ा की वीडियो आज, मतलब ये सारी मैंने बता दिया, इतनी अब इस टॉपिक के में कोई बात नहीं करेंगे, आगे जो भी आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी बात पे वीडियो बनेगी और कल उसके गांव वाले ही वीडियो बनाएगी, गांव से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करती हूँ, क्योंकि सेम बात तो देखो बार बार वो बाद में कैसे बोलूंगी, एक बार बोल दिया भाई ड्रामा है तो ड्रामा ही है, कल गांव वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और बाकी जो भी आपको कोई भी, मैं बहुत सारी कमेंट देखा, किसी को कहीं डाउट लग रहा है मैंने वहां उसके देखा, वो वहां बोल रहा था, वो वहां बोल रहा था, वो सब चीजें बिल्कुल सही है, लोग बात पकड़ भी रहे हैं, तो चलो आप कमेंट कर देना आपको बाकी कैसी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलो मिलते हैं कल बहुत अच्छी और धमाकेदार वीडियो के साथ, बाय बाय, जय माता दी, जोर से बोलो सुन नहीं रहे उनको। जय माता दी बोल दो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर देना, देखो मेरे बेटे ने, बाय बाय, जय माता दी, जय माता दी।